अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेस खान और आप देख रहे हैं सौद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ कच्ची कैरी के शॉर्ट्स की बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार और रिफ्रेशिंग से रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलें अब हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कच्ची कैरी के शॉर्ट्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक केरी ली है और इस केरी को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैं इसे छील लूंगी और फिर छील के इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी। अब यहाँ पे देखें, केरी को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। अब मैं इसे एक मिक्सर जग में डाल दूंगी। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 इंच का अदरक का टुकड़ा ऐड करूंगी। अदरक से इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा और ये आपके हाजमे के लिए भी बहुत अच्छी है। अब मैं इसके अंदर हरी मिर्च ऐड करूंगी। तो यहाँ हरी मिर्च जो है वो तेज़ वाली नहीं है तो मैं 1 ऐड कर रही हूँ। अगर आपकी हरी मिर्चें तेज़ वाली हो तो आप आधी ऐड कीजिएगा। साथ ही मैंने यहाँ पे पुदीने की पत्तियाँ ऐड कर दी हैं, 8 से 10 अदर। काला नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। अगर आप काला नमक नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसमें सिंपल नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही पिसा हुआ जीरा ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। 1/2 कप के बराबर पानी ऐड करेंगे। कैरी वैसे ही बहुत खट्टी होती है लेकिन लेमन से इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर और टेस्ट आएगा तो यहाँ पे 1 लेमन मैं ऐड करूँगी। लेमन ऐड करके मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी, फाइन पेस्ट इसका तैयार कर लूँगी क्योंकि हम इसे ड्रिंक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका पेस्ट जो है बिल्कुल फाइन होना चाहिए। ये देखें, फाइन सा पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे साइड पर रखेंगे और दूसरी तरफ देखें, मैंने 1 प्लेट में 1/2 टीस्पून पिसी मिर्च और थोड़ा सा नमक लिया है। इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसे मिक्स करने के बाद शॉट ग्लास जो हमने लिए थे इन ग्लास के एजेस पे इस तरह से लेमन जूस लगाएंगे और फिर इस तरह से नमक और मिर्च को इस ग्लास के एजेस पे लगाएंगे ताकि ये शॉट्स जो हैं वो दिखने में खूबसूरत लगें। ये देखें, ग्लास हमारे रेडी हो चुके हैं। अब जो मैंने ग्राइंड किया और पेस्ट रेडी किया था वो मैं इन ग्लासों में फुल कर दूंगी। अब यहाँ पे देखें, मैंने एक बड़ा मग ले लिया है जिसके अंदर सबसे पहले मैं आइस क्यूब ऐड करूंगी। तो अब मैं इसके अंदर सोडा ऐड करूंगी। सोडा आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। सोडे को आपने पूरा फुल नहीं भरना है, 1/4 के बराबर आपने इस मग के अंदर सोडा फिल करना है। अब जो मैंने ग्लास भर के रखा हुआ था ये ग्लास इस बड़े ग्लास में ड्रॉप करेंगे। ये देखें, ड्रिंक हमारी रेडी हो चुकी है। बहुत ही डिफरेंट और रिफ्रेशिंग ड्रिंक है तो इस गर्मी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। आज की रेसिपी के साथ मिसेस खान को दें इजाजत। अपना रखें बहुत सारा ख्याल, मुझे रखें अपनी नेक दुआओं में। याद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।